अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं खूबसूरत दिन के साथ। बस गर्मियाँ आ ही गई हैं, समझे, हमारे यहाँ पे गर्मियाँ ऐसी आती जाती रहती हैं। तो आज मौसम बहुत अच्छा था तो हम भी बाहर निकले हुए थे। तो पहले एक एजडा की ट्रिप हो गई क्योंकि सामान थोड़ा सा लेना था, फ्रूट्स वगैरह, ग्रॉसरी। तो एजडा में बहुत ज़्यादा आज रश था क्योंकि वीकेंड था, तो बच्चों को लेके सब लोग बाहर निकले हुए थे और मौसम भी अच्छा था, तो शूट करने का ना मौका ही नहीं मिला। बस फिर चीज़ों ख़रीदने पे फोकस किया पहले। तो मैंने कहा ये तो एजडा तो आपको मैंने दिखाया हुआ है पहले ही, तो अब ना आपको हम लेके चलेंगे फार्म पे, क्योंकि आज हम जा रहे थे फार्म। फार्म से मेरे हस्बैंड ने दूध लेना था, फ्रेश मिल्क, और हमने जीजा को भी दिखाना था। तो आज हम वहीं जाएंगे एजडा से होने के बाद। एजडा में काफ़ी अच्छी ऑफर्स लगी हुई थी ना समर की चीज़ों के ऊपर, बट ये हमारे काम की नहीं थी तो मैंने दिखाना भी ज़रूरी नहीं समझा। डबल करके इन्होंने लगाया तो था ग्रेट ऑफर्स, बट ये भी बहुत महंगी होती है, डबल करके प्राइस उसको हाफ में बेचते थे। तो जी अब हम जा रहे हैं फार्म पे। सीनरी बड़ी खूबसूरत आती है रास्ते में ना, तो मैं आपको वो हिसाब से दिखाती जाऊँगी। रास्ते में बारिश भी हो जाएगी, यहाँ के मौसम का कोई भरोसा नहीं है, एकदम बादल आए और एकदम बारिश शुरू हो जाती है। ठंडी ठंडी हवा भी चलने लगी पर मौसम नाइस ही था, बस हल्की हल्की बूंदाबांदी। पर एकदम आगे जाके ना जब फार्म के करीब पहुँचे वहाँ पे सही तेज़ बारिश शुरू हो गई। फिर आप उसके बाद आगे देखेंगे कि उसमें फिर धूप निकल आएगी, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी ब्रिटिश वेदर का भरोसा नहीं करता। फिर मैंने शीशा डाउन पहले किया हुआ था, उसके बाद मैंने शीशा बंद करके खोलने की कोशिश की, पर बहुत तेज़ी से बारिश पड़ रही थी, सारा अंदर आ रहा था। आगे देखें ये फॉरेस्ट है, यहाँ के सारे जंगल हैं, से ड्रोने ड्रोने से भी लगते हैं अगर शाम रात में आओ, लाइट वगैरह नहीं है तो सही। अब गांव का स्ट्रक्चर शुरू हो जाएगा ना, यहाँ के अंग्रेज़ों के विलेज हैं तो बहुत ही खूबसूरत फार्म्स हैं ना, हिल्स के ऊपर बने, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। उन्होंने अपनी साइडें कवर करने के लिए बहुत सारे जंगल से दरख्त लगाए हुए थिक थिक, तो रोड से ऐसा भी आता है कि सारा जंगल है। अब हम ये फार्म पे बस पहुंचने ही वाले हैं, यहाँ से सारे फार्म शुरू हो गए हैं, साइड जो पे जा रहे हैं। फार्म पे जानवर होते हैं तो वो जानवरों को सड़क पे जाने से बचाने के लिए सही मोटे मोटे दरख्त लगा देते हैं, इस तरह उनकी आसानी हो जाती है। एक बहुत ही पुरसकून सा ना माहौल है यहाँ पे, सुकून से आप आराम से देख के दिल आपका खुश होता है। दूर दूर तक ग्रास ही ग्रास है, ऊपर नीचे पहाड़ों के, इसमें थोड़ी बहुत बकरियाँ उन्होंने छोड़ी हैं, यहाँ पे भीड़ें ज़्यादा होती है, लैम जिन्हें कहते हैं शीप, गायें, हम जिस वहाँ पे गए थे वहाँ गायें थी, तो उन्होंने सिर्फ जो बुल होते हैं ना उनको आगे रखा हुआ था, फीमेल गायें सारी पीछे छोड़ी हुई थी। ये जी आ गए हम फार्म के ऊपर, ये यहाँ के फार्म हैं। इंशाल्लाह हम रिदा को एक फार्म पे लेके जाएंगे ना, अभी बच्चों को टूर के लिए लेके जाते तो उसकी डिटेल से वीडियो में बनाऊंगी। ये वाला फार्म सिर्फ सब्जियाँ बेचते हैं, यहाँ पे गोश्त बेचते हैं, मुर्गियों का अंडे बेचते हैं, फ्रेश दूध सब इन्होंने रखा होता है। छोटी सी दुकान थी तो बस मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, काफ़ी दो तीन लोग भी खड़े हुए थे तो मैंने देखा कि वहाँ काव बैठी हैं, रिदा तो इतनी खुश हो गई जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो साथ चिकन देख के बहुत उसको अच्छा लगा, बड़ी बड़ी रियल चिकन, हमारे तो अभी चूजे हैं तो बहुत बहुत खुश है, बहुत अटैच है चिकन्स के साथ ना। अब ये देखें धूप निकल आई है, थोड़ी देर पहले यहाँ पे बारिश हो रही थी, तो एकदम ही मौसम इतना खूबसूरत हो गया, और ग्रास पे भी जब धूप पड़ती है
बहुत ही खूबसूरत सा ना नज़ारा आने लगता है। बस फिर घर जाएंगे। घर पहुंच के मैंने कहा हम आपको अपने घर का फार्म दिखा दें आज। हमारी ये मुर्गियाँ चूज़े क्या करने हैं, तो फिर रिदा भागी सीधी अपने चूज़ों के पास गई है। काफ़ी बड़े हो गए माशाल्लाह। तो ये देखिए माशाल्लाह से रिदा उनको खाना खिलाती है, अपने हाथों से पकड़ती है, इसे नई चीज़ सीखी, उनको खाने के बहाने बुलाती है फिर उनको पकड़ लेती है। तो एक बार हमारे ना ये रौनक है चूज़ों की ना गार्डन में चहल पहल रहती है, रिदा के पास चले वो तो इधर से बाहर ही ना आए। तो इस तरह का हमने इन्होंने ना मेरे हस्बैंड ने और उनके उनके डैडी ने ना मिलके क्या कहते हैं ना ये बनाया था बड़ा सा केज शेड के आगे, जिसमें पहले काफ़ी हमारी मुर्गियाँ होती थी। अब हमने मुर्गियाँ कम कर दी हैं, तो अभी रिदा के लिए लेकर आए हैं, फिर इंशाल्लाह रखेंगे। तो मौसम ऐसा ही था, बारिश आ रही थी जा रही थी, तो मैंने सोचा आज पकौड़े बनाते हैं। तो सिंपल आलू वाले रिदा के लिए बनाऊंगी और पालक प्याज और आलू वाले अब हमारे लिए बनाऊंगी। तो पकौड़े बनाना तो सबको याद है, बेसन डालें उसमें, अपनी मर्ज़ी की मिर्ची डालें और तलने, बड़े आराम से पकौड़े सबके बन जाते हैं। बस यही सारा दिन आज का हमारा गुजरा। खाना बना हुआ था पहले का तो मैंने नहीं बनाया, पकौड़े खा के इंजॉय कर लिया दोपहर में, फिर रात को खाना खाया। सोचा आपको भी दिखा लें पकौड़े, आप लोग भी कितने शौक से खाते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा किस तरह के पकौड़े खाते हैं। कोई लोग बैंगन के पसंद करते हैं, पालक के पसंद करते हैं, बहुत तरह के पकौड़े होते हैं। ठीक है जी, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।